क्या सोच रहे हो बादशाह? यार महबूब, तू तो जानता है मैं दुश्मन की गर्दन काट सकता हूँ, खून का दरिया बहा सकता हूँ, लेकिन यार सलमा से कह नहीं सकता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बादशाह, जल्दी से दिल की बात बता दो, वरना मेरी तरह पछताओगे। क्या मतलब? मैं भी एक ऊंटनी से प्यार करता था, मगर कहने की हिम्मत नहीं हुई और उसने मेरे पड़ोसी ऊंट से शादी कर ली और बादशाह मैं कुंवारा ही रह गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दाई माँ। जीती रहो बेटी। कैसी रही तुम्हारी सहेली की शादी? बहुत अच्छी दाई माँ, बहुत मजा आया। आ गई हमारी बेटी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटी, वालेकुम अस्सलाम। सलमा, तुम्हारे बगैर घर के आंगन में जैसे हम कांटों पर चल रहे थे, बस हमेशा तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती थी। अब्बू जान देख लीजिए, हम सही सलामत खुशी खुशी घर लौट आए हैं, आप तो खामखा ही डर रहे थे। नहीं सलमा, नहीं, तुम सही सलामत नहीं लौटी हो। हमारी तजुर्बेकार आंखें कह रही हैं कि तुम में कुछ तब्दीली आ गई है। तब्दीली? कैसी तब्दीली अब्बू जान? हमारी आंखों में आंखें डालकर गौर से देखो, तुम बदल गई हो, तुम्हारा दिल बदल गया है। दिल बदल गया? हाँ बेटी सलमा, हमने आज तक तुम्हें कभी एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया, फिर दो चार दिनों के लिए अपने इलाके से बाहर जाने की इजाजत कैसे दे दें? अपने सारे इलाके को इतने चिरागों से रोशन कर देंगे कि जमीन की तरफ देखकर आसमान के सितारे भी आपस में पूछेंगे कि आज जमीन पर ऐसा कौन सा जश्न है जो जमीन भी सितारों भरे आसमान की तरह चकमगा रही है। दाइमा, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? नहीं बेटी नहीं, हम दोनों एक तरह नहीं सोच सकते। क्यों दाइमा? इसलिए कि तुम दिल से सोचती हो और मैं दिमाग से। मेरी सोच में मेरी उम्र भी शामिल है और तुम्हारी सोच में दूध की खुशबू आती है। इसका मतलब आप जानती हैं दाइमा कि मैं क्या सोच रही हूँ? हाँ मैं जानती हूँ और ये भी जानती हूँ तुम जो सोच रही हो वो नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है दाइमा?